नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडे न्यूज। रूस और यूक्रेन की सेना में जंग तय हो गई है। रूस के राष्ट्रपति ने जंग का ऐलान कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि अगर यूक्रेन नहीं मानता है तो जंग जारी रहेगी। व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ये भी कहा गया है कि रूस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखेगा, और ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इन दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात क्यों बने हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के हालात अब काफी बिगड़ चुके हैं। दोनों देशों ने जंग का ऐलान कर दिया है। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी। दरअसल रूस ने पूर्वी यूक्रेन को अलग देश की मान्यता दे दी है। 2004 के राष्ट्रपति चुनाव में यूक्रेन में विक्टर यानुकोविच की जीत हुई। यानुकोविच रूस के समर्थक माने जाते हैं और उनकी जीत के बाद यूक्रेन में विद्रोह हो गया। इसे ऑरेंज रिवॉल्यूशन नाम दिया गया। प्रदर्शनकारी दोबारा गिनती की मांग कर रहे थे। वहीं रूस ने इन प्रदर्शनों के पीछे पश्चिमी देशों का हाथ होने का दावा किया। 2008 में विपक्षी नेता विक्टर यूशेचनुको ने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का प्लान पेश किया। अमेरिका ने इसका समर्थन किया, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका विरोध किया। नाटो ने जॉर्जिया और यूक्रेन को शामिल करने का ऐलान किया, लेकिन रूस ने जॉर्जिया पर हमला कर दिया और 4 दिन में ही उसके 2 इलाकों पर कब्जा कर लिया। 2010 के राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर से विक्टर यानुकोविच की जीत हुई। उन्होंने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। नवंबर 2013 में यानुकोविच यूरोपियन यूनियन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने से पीछे हट गए, और इस समझौते से यूक्रेन को $15 अरब का आर्थिक पैकेज मिलने वाला था। यानुकोविच के इस फैसले के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। फरवरी 2014 में राजधानी कीव में दर्जनों प्रदर्शनकारी मारे गए। विरोध इतना बढ़ गया कि 22 फरवरी 2014 को यानुकोविच को देश छोड़कर भागना पड़ा।